एक महीने तक आप सिस्टम को अपने घर पे यूज करके देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप लीजिए, अदरवाइज फुल रिफंड है। मेरी पेमेंट सिक्योर्ड है, जब मैं एक महीने का टाइम दे रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। शिपिंग में मान लो टूट जाता है तो वो भी मेरी गारंटी है कि अगर टूट जाता सिस्टम या फिर कुछ भी दिक्कत निकलती है तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कंप्लीट सेकंड हैंड प्रीबिल्ड पीसीज के बारे में। तो सूरज सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सूरज सर। ये कंप्लीट वीडियो में हम लोग सेकंड हैंड पीसी बिल्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, प्रीबिल्ड सिस्टम के। तो कैसे, क्या क्या आपके पास वैरायटीज है प्रीबिल्ड्स के? हर एक स्टार्टिंग से दिखाएंगे कि भाई एकदम बेसिक काम जिनको बस होम यूज के लिए चाहिए, बेसिक काम करना है, और हाई एंड से हाई एंड जिनको भाई गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। देखिए नया का तो क्या है ना कि नया आप हमेशा कहीं से बनवा सकते हो, हमसे भी नया होता है हमारे पास भी, बट क्या है कि नया तो भाई नॉर्मल रेट पे रहता है सब जगह पे। आप चाहे यहाँ दिल्ली से लो, चाहे आप एक छोटे से स्टेट से लो, क्योंकि नए का प्राइसिंग ऑल ओवर द इंडिया सेम रहता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हर एक कंपनी के हर एक शहर में होते हैं। अपने पास भाई खास क्या है कि प्रीबिल्ड सिस्टम है भाई, सेकंड हैंड है, सस्ते रेट में, बट हर पे वारंटी भी आपको मिलेगी। स्टार्टिंग अगर रेंज देखें, ये देखिए एकदम स्टार्टिंग बेस का सिस्टम, 61 मदरबोर्ड, i3 4GB रैम, 256GB की SSD, पावर सप्लाई कैबिनेट, 7000 का सिस्टम है। अब क्या इसमें आपको भाई घर में ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, थोड़ा बहुत आपको काम सीखना है, तो ये सिस्टम ठीक है, मॉनिटरिंग इंक्लूड नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा चलते हैं भाई, 1 ईयर वारंटी में अपने को चाहिए तो i3 6th जनरेशन ले सकते हैं। हल्की फुल्की एडिटिंग वगैरह, गाने सॉन्ग्स की एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग नहीं करा पाता ये, क्योंकि उसके लिए ग्राफिक कार्ड की नीड है, बट हाँ थोड़ा बहुत काम ऑफिस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ये सब आराम से करा देता है। इसी में अगर आप मान लो कि ग्राफिक कार्ड लगा लो तो आपका इसमें हल्की फुल्की एडिटिंग हो जाएगी। थोड़ा सा अच्छा चलते हैं i5 7th जनरेशन देखो, तो ये रखा अपने सिस्टम i7 3rd का, मेरे पास एक सिस्टम है वो भाई ये रहा इसकी स्पेसिफिकेशन। राइजन में भी मेरे पास बेसिक बिल्डर है, एक राइजन 3 का सिस्टम है, 16GB रैम सब कुछ, ये 20,000 का सिस्टम है, 1 साल की गारंटी के साथ। मान लो ग्राफिक कार्ड लगा के गेमिंग खेलनी है तो राइजन 3 1200 बेसिक सिस्टम है। इसमें एक नॉर्मल 750 Ti 1050 Ti ग्राफिक कार्ड डालें तो थोड़ी बहुत गेम है आपको, बेसिक जो भी खेलनी GTA 5 वगैरह आराम से चला देता है। अच्छे सिस्टम की बात करें, मान लो कि भाई हमें थोड़ा सा बढ़िया चाहिए, जैसे कि ये हमारा एक सिस्टम है i7 8th जनरेशन का, छोटा सा कॉम्पैक्ट सिस्टम हमने बना रखा है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये सिस्टम दिखता है। सपोज करिए कि आपको नॉर्मल ही सिर्फ CPU बेस्ड काम है, CPU बेस्ड एडिटिंग है, तो आप ये ले सकते हो, मात्र ये आपका काम बड़े आराम से करा देगा। कल को आपको मन करे भाई गेम्स भी खेलनी है, आप इसमें 1050 Ti 1660 सुपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हाई एंड और चलें, ये एक 5600G का प्रीबिल्ड है, पूरा प्रॉपर न्यू सिस्टम है ये, इसमें जैसे कोई सेकंड हैंड सिस्टम नहीं। एक चीज और आपको बताऊं मैं कि भाई सारे सिस्टम सेकंड हैंड नहीं है, जैसे कि जिन सिस्टम पे 1 ईयर की वारंटी, 1 मंथ की वारंटी, 2 साल की वारंटी है, ये तो है सेकंड हैंड सिस्टम। लेकिन अगर आप जैसे इसको कंसीडर करिए तो इसमें देखिए आपको लिखा होगा 3 ईयर्स की वारंटी, यानी कि एकदम ब्रांड न्यू सिस्टम है, आपको हर एक कंपोनेंट पे 3 ईयर्स की वारंटी मिलेगी। एक सिस्टम और हमारे पास है ये, अब देखिए ये राइजन 3 का 3300X का सिस्टम है, अब इसमें 2 ईयर्स की वारंटी लिखी है, इसका मतलब ये एक यूज सिस्टम है, 1 साल यूज हो चुका है और 2 साल की इसमें वारंटी रहती है। देखिए i5 10th जनरेशन का सिस्टम एकदम नया सिस्टम है, इसमें भी 3 ईयर वारंटी, यानी कि ब्रांड न्यू सिस्टम है। आप ये देखिए इसमें कोई भी चीज जैसे आपको सेकंड हैंड नहीं है, सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू, बोर्ड रैम NVMe। और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि भाई आपका प्रीबिल्ड सिस्टम है तो आपने इसमें कंपोनेंट्स अच्छे नहीं यूज करे होंगे, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। देखिए हमें वारंटी देनी है सिस्टम की, तो जाहिर सी बात है कि डेफिनेटली हम सामान वही यूज करेंगे जिसपे हमको रिलाय हो कि हम आगे चल के वारंटी दे पाएंगे, रिप्लेसमेंट कर पाएंगे। और एक सिस्टम हमारा ये है 5600X का, ये एक यूज सिस्टम है, बट ऐसे वारंटी 3 साल की, इसलिए क्योंकि इसमें जो मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड रैम ये सब एकदम ब्रांड न्यू है, इसका खाली प्रोसेसर यूज है 6 महीना, तो इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। इस तरह के प्रीबिल्ड मिक्स एंड मैच कंपोनेंट्स के साथ आपको नए से काफी सस्ते पड़ जाएंगे। तो सूरज सर ये हो गए सेकंड हैंड पीसीज के बारे में, पर सेकंड हैंड पीसीज में एक ड्रॉबैक आता है कि ये जो पीसीज है ये ओवरहीट होते हैं, लाइक इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है, इनकी परफॉर्मेंस पे जरा सा ड्रॉप रहता है एज कम्पेयर टू न्यू, तो वो जो स्ट्रेस टेस्टिंग रहता है उसका परफॉर्मेंस कैसे वर्क, इसका भी देखिए बताता हूं आपको। जैसे कि अगर आप कंपेयर करो भाई i5 4th जनरेशन 3rd जनरेशन, भाई डेफिनेटली 5 से 6 साल पुराने हो चुके हैं, नए जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बात करो 5600G i5 10th, एकदम न्यू कंडीशन होते हैं और एकदम परफॉर्मेंस में 1% का भी ड्रॉप नहीं मिलेगा आपको नए से। हाँ अगर हम कोई कंपेयर ही 10 साल पुराने सीपीयू को कर रहे हैं आज के से, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है इट्स अ कॉमन सेंस कि हाँ परफॉर्मेंस वो नहीं मिलेगी। लेकिन i5 10th i5 12th जनरेशन, अपना राइजन 5600 3700 5800X, ये सब की परफॉर्मेंस कम नहीं मिलेगी। हालांकि ये सामान ओपन बॉक्स है, सस्ता होने का रीजन यही है कि भैया सामान की सील खुल चुकी है, किसी ना किसी वजह से सामान अब मान लो खुल गया, खुलने के बाद कंप्यूटर के लाइन में सामान की वैल्यू उतनी नहीं रहती जितनी नए की होती है। सेकंड चीज, कई लोगों को मन में ये रहता है कि भाई जब खराब हो गया तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपने हर एक प्रीबिल्ड सिस्टम पे 1 मंथ का टेस्टिंग टाइम देते हैं कि भाई लोगों के मन में ये कि भाई सेकंड हैंड कैसा होगा कैसा नहीं होगा। एक महीने तक आप सिस्टम को अपने घर पे यूज करके देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप लीजिए, अदरवाइज फुल रिफंड है। कोई ये क्वेश्चन नहीं कि भैया आप क्यों रिटर्न कर रहे हो, इसमें कोई इश्यू तो है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। आपको एक महीने तक पसंद आए तो ठीक, नहीं तो पूरे पैसे रिटर्न, चाहे रिटर्न ले लो पैसे, चाहे दूसरा सिस्टम ले लो, कुछ भी आपका ऑप्शन XYZ, क्योंकि एक महीने में क्या हम बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं सिस्टम में क्या है, कैसा है कैसा नहीं है, पसंद आए तो आपका, नहीं तो हमारा। एंड टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड वारंटी, आप एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड करते हो? जी हां, कई सारे कंपनीज पे एक्सटेंडेड वारंटी मिल सकती है और ऑल ओवर इंडिया शिपिंग है हमारी, आप दिल्ली से नहीं है आप शिपिंग करवा सकते हैं, हर सिटी में हमारी शिपिंग। और टॉकिंग शिपिंग का प्रोसीजर, शिपिंग का कैसा प्रोसीजर? शिपिंग के लिए आपको पेमेंट एडवांस लगती है, सीओडी नहीं है हमारे पास, सीओडी हम नहीं करते क्योंकि सीओडी में बहुत डिले है पिकअप करने में, इसलिए पेमेंट आपकी एडवांस रहेगी। भाई पेमेंट सिक्योर्ड है, जब मैं एक महीने का टाइम दे रहा हूं टेस्टिंग के लिए। शिपिंग में मान लो टूट जाता है तो वो भी मेरी गारंटी है कि अगर टूट जाता सिस्टम या फिर कुछ भी दिक्कत निकलती
रहती है तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। और जो रिमोट एरियाज है, रिमोट एरियाज में अगर शिपिंग करते हैं हम लोग, उनमें कितना टाइम लगता है? क्योंकि बहुत, देखिए जैसे मान लीजिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मुंबई है, बैंगलोर है, 2 से 3 दिन में वहाँ पहुंच जाता है। मान लीजिए शाम का कोई आउटर एरिया है या फिर अपना जम्मू कश्मीर का एरिया है, तो वहाँ पे 6 से 7 दिन लगते ही लगते हैं, वो शिपिंग हर जगह जाता है। ओके, और जो नए अभी पीसीज आ रहे हैं लाइक समझ लो 5600X, 5800X, 13 जन के पीसीज, ये भी आपके पास? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ जाते हैं। राइजन 7 के 7 जन वाली जो सीरीज है, 7700X वाली सीरीज है, 7900X वाली सीरीज है, या फिर इंटेल का 13 जनरेशन है, 13700 के वगैरह सब कुछ आ जाता है प्रीबिल्ड में। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट सबसे सस्ता पीसी अभी के टाइम पे यूज में कितने तक आप स्टार्ट कर रहे हो भैया? अगर नॉर्मल सिस्टम की बात करें 6000 रुपए से, अगर गेमिंग सिस्टम की बात करें तो 15000 से ऊपर से गेमिंग स्टार्ट होती है। मतलब 15000 एकदम बेसिक, कैसे कि हमें लुक्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमें दिखे अच्छा ना कोई बात नहीं, बट चलनी चाहिए गेम, तो 15000 से गेमिंग सिस्टम की स्टार्ट होगा। जैसे कि मान लो ये वाला सिस्टम है, 2200G का सिस्टम है, 14000 रुपए का सिस्टम है, 8GB DDR4 रैम, 2 ईयर्स की वारंटी, 250 NVMe। अब क्या ये आपका GTA 5, BGMI, अपना बेसिक गेम्स ये सब चलाता है, वैलोरेंट वगैरह बड़ा इजीली चला देता है, थोड़ा सा अच्छा जाते हैं। मान लो 3200G की तरफ देखते हैं, 18000 रुपए का सिस्टम है, ये ले सकते हैं। मान लीजिए भाई थोड़ा सा हमें और ही अच्छा चाहिए, और अच्छा करना है, जैसे कि ये i5-6 का सिस्टम है 15000 रुपए का, इसमें अगर आप एक 1050 Ti ऐड कराओ तो इसकी परफॉर्मेंस 3200G से भी अच्छी हो जाती है, और ये आपका 21-22-20 ऐसे बनेगा। और मैं सर ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप जितने भी प्रीबिल्ड है इसमें GPU नहीं है, हां GPU का केस है। GPU ऐसा है कि भाई किसी को छोटा चाहिए, किसी को हाई एंड परफॉर्मेंस का ग्राफिक कार्ड लगवाना है, किसी को 2GB वाला लगवाना है, किसी को 4GB लगवाना है, तो वो आप GPU अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। सिस्टम के रेट विदाउट GPU है, विदाउट मॉनिटर है, सिर्फ सिस्टम जितने कंपोनेंट्स लिखे हैं उतना ही सामान इंक्लूडिंग है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग प्रीबिल्ड पीसीज। आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस। बाय-बाय।